Hey guys, welcome you all once again. और आज हम लोग यहाँ पर Atmega 8 के इनबिल्ट एडीसी के बारे में बात करेंगे. ये एडीसी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप का है. सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी के ऊपर मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ. अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, उससे आप लोगों को ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो फिलहाल इसको हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं Atmega 8 की उन पिंस को जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में यूज होंगी. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिन नंबर 20 से पिन नंबर 28, ये बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में यूज होंगी. यहाँ पर पिन नंबर 23 टू पिन नंबर 28, ये हमारे 6 एडीसी चैनल है जहां पर हम लोग इनपुट यूनिट्स को या इनपुट एनालॉग यूनिट्स को कनेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली 23 से 28 नंबर जो पिंस हैं ये मल्टीप्लेक्स होती हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हैं. नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों की ये जो पिंस होंगी ये एज अ इनपुट आउटपुट पिन बिहेव करेंगी और इन्हीं पिंस के थ्रू हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी करवा सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पिन नंबर 20, 21 और 22 का यूज क्या है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पिन नंबर 20, दैट इज ABCC को. देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ वोल्टेज सप्लाई चाहिए होती है, तो हम लोगों का जो पिन नंबर 20 है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को वोल्टेज सप्लाई देने के लिए यूज होगी. ABCC को हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ, चाहे हम लोग ADC को यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो. और ये जो ABCC है इसमें जो हम लोग वोल्टेज देंगे वो VCC से प्लस माइनस 0.3 वोल्ट ऊपर नीचे हो सकती है. इससे ज्यादा वेरिएशन इन वोल्टेजेस के बीच में नहीं होना चाहिए. लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि हम लोगों का जो ABCC में वोल्टेज देते हैं वो हम लोग एज ए रेफरेंस वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम लोगों को AD मक्स रजिस्टर होता है, उसको सेट करना पड़ेगा. वो चीज मैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझाऊंगा. इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पिन नंबर 21 की. देखिए रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम लोगों के पास मेनली तीन ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहला है इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज जो कि 2.56 वोल्ट होता है. इसके अलावा हम लोगों के पास ABCC जो है उसको भी हम लोग रेफरेंस वोल्टेज ले सकते हैं जो कि VCC से प्लस माइनस 0.3 वोल्ट अप और डाउन हो सकता है. यहां पर VCC हम लोगों का वो वोल्टेज सप्लाई है जो हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को 7 नंबर पिन में देते हैं. अगर हम लोगों का रेफरेंस वोल्टेज 2.56 या फिर ABCC से कुछ अलग चाहिए तो हम लोगों के पास ए रेफ ऑप्शन बचता है. सपोज हम लोगों को रेफरेंस वोल्टेज 1.5 के आसपास लेनी है तो ये चीज हम लोगों के इन दोनों ऑप्शन से पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग जो ये 1.5 वोल्ट है ये ए रेफ को देंगे और अगेन AD मक्स जो रजिस्टर है उसमें हम लोग ए रेफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. तो ये हम लोगों का यूज है पिन नंबर 20 और 21 का. इसके बाद जो 22 नंबर पिन है उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं. इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के ब्लॉक डायग्राम को. आप लोग यहां पर देख सकते हैं हम लोगों के पास तीन मेन रजिस्टर्स हैं. सबसे पहले ADC मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट रजिस्टर है जिसको हम लोग AD मक्स भी बोलते हैं. इसके बाद हम लोगों के पास ADC कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर है जिसको हम लोग ADCSRA भी बोलते हैं. और इसके बाद हम लोगों के पास एक थर्ड रजिस्टर है जिसको हम लोग ADC डेटा रजिस्टर बोलते हैं. देखिए यहां पर हम लोगों का जो AD मक्स और ADCSRA है ये 8 बिट्स के हैं और इसके बाद जो हम लोगों के पास ADC डेटा रजिस्टर है ये 16 बिट्स का है. इसको 16 बिट हम लोगों ने इसीलिए रखा है क्योंकि हम लोगों का जो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है इसका रिजोल्यूशन 10 बिट का है, तो 8 बिट से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, इसलिए ADC डेटा रजिस्टर 16 बिट्स का है और जो कि हम लोगों का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ADCH और ADCL में. इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इन रजिस्टर्स का यूज क्या है. देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं हम लोगों के पास रेफरेंस वोल्टेज के लिए तीन ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहला ABCC, इसके बाद इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज और थर्ड हम लोगों के पास है ए रेफ. अब इन तीनों ऑप्शंस में से आप लोगों को कौन सा यूज करना है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पर जो ये REF S1 और REF S0 है
इनकी वैल्यूज को सेट करेंगे। अब ये वैल्यूज कैसे सेट करते हैं और क्या वैल्यू सेट करने में क्या होगा, ये चीज थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों के पास टोटल 6 चैनल्स होते हैं, यहाँ पर वैसे 8 चैनल्स इन लोगों ने दिखाए हैं, बट फिलहाल हम लोग जो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं वहां पर 6 ही चैनल्स हैं। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पर हम लोगों के पास चैनल्स तो 6 हैं, बट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एक बार में एक ही चैनल के थ्रू होगा। अब 6 चैनल्स में से कौन सा चैनल हम लोगों को सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर कुछ और बिट्स हैं, जैसे मक्स 0, मक्स 1, मक्स 2, मक्स 3। अब जो भी चैनल हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर अपनी वैल्यूज देंगे और उसके हिसाब से ही हम लोगों का यहाँ पर चैनल सेलेक्ट होगा। तो ये हम लोगों का मेन काम है एडी मक्स का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एडी सी एस आर ए को। देखिए हम लोगों का नॉर्मल कंडीशन में जो चैनल्स होते हैं वो एज अ इनपुट आउटपुट पिंस काम करते हैं। अगर आप लोगों को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करवाना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम लोगों को ये जो चैनल्स हैं इनको एज अ एडीसी पिन यूज करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपना एडीसी को इनेबल करना होता है। तो हम लोग इस बिट को यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट करते हैं एडीसी को इनेबल करने के लिए। इसके बाद एडीसीएस हम लोगों का होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद हम लोगों के पास मेन चीज यहाँ पर है प्री स्केलर। देखिए हम लोगों का जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी होता है उसको 50 टू 200 किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बट जो हम लोगों का माइक्रो कंट्रोलर है वो काम करता है 1 से 8 मेगा हर्ट्स के बीच में। तो इस फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप डाउन करने के लिए, दैट इज 50 से 200 किलो हर्ट्स के बीच में लाने के लिए हम लोग प्री स्केलर को यूज करते हैं। अब प्री स्केलर को सेट करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर 3 अलग अलग बिट्स हैं। इन बिट्स के हिसाब से हम लोगों का प्री स्केलर डिफाइन होगा। इसके बाद एडीसी कन्वर्जन के बाद जो भी डेटा हम लोगों का आएगा वो स्टोर होता है एडीसी डेटा रजिस्टर में। तो ये एक ओवरव्यू है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के ब्लॉक डायग्राम का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टेप वाइज कैसे कैसे हम अपने रजिस्टर्स को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होगा एडीसी को इनेबल करना। एडीसी को इनेबल करने के लिए हम लोगों के पास एडीसी एस आर ए रजिस्टर है। इस रजिस्टर की जो 7th नंबर बिट है ये हम लोगों की होती है ADEN। ADEN की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, मतलब कि अगर आप लोगों की यहाँ पर वैल्यू 0 है तो इस केस में PC0 टू PC5 जो पिन है वो एज अ इनपुट आउटपुट पिन बिहेव करेंगी। अगर आप चाहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना तो उस केस में हम लोगों ने अपनी इस ADEN पिन को 1 देना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसके बाद हम लोगों का काम होगा प्री स्केलर को सेट करना। प्री स्केलर सेट करने के लिए हम लोगों के पास ADCSRA में 3 बिट्स हैं 0, 1, 2 नंबर की, ADPS0, ADPS1 और ADPS2। इसकी टेबल यहां पर बनाई हुई है। देखिए अगर आप 000 वैल्यूज देते हैं तो डिवीजन फैक्टर 2 होगा, उसके बाद अगर आप लोग 100 वैल्यू देते हैं तो भी 2 होगा, इसके बाद 010 के लिए 4 एंड सो ऑन, आप लोगों की ये वैल्यूज यहां पर हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिवीजन फैक्टर काम कैसे करेगा। यहां पर कैलकुलेटर को मैं ओपन कर लेता हूं। नाउ सपोज हम लोगों का माइक्रो कंट्रोलर 8 मेगाहर्ट्ज़ में काम कर रहा है तो इस केस में हम लोगों को अपनी फ्रीक्वेंसी को 50 से 200 किलोहर्ट्ज़ के बीच में लेके आनी होती है, क्योंकि हम लोगों का एडीसी इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में बेटर आउटपुट देता है। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, अगर मैं डिवीजन फैक्टर यहां पर 32 ले आऊं तो हम लोगों की वैल्यू समथिंग अराउंड 250 किलोहर्ट्ज़ आ रही है, मतलब कि यहां पर हम लोगों को उतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो अगेन हम लोग यहां पर प्री स्केलर को चेंज करके देख लेते हैं। नाउ सपोज प्री स्केलर हम लोग 64 लेते हैं, तो अगर 64 हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों की फ्रीक्वेंसी 125 किलोहर्ट्ज़ आ रही है, मतलब 64 डिवीजन फैक्टर हम लोग ले सकते हैं। और इसके बाद फिर से हम लोग 128 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 128 से तो हम लोगों की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी समथिंग अराउंड 62 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों में से कोई भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं।
यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हायर होगी, मतलब कि एक्यूरेसी आपकी थोड़ा कम होगी बट स्पीड अच्छी होगी। और यहाँ पर ये जो वाली फ्रीक्वेंसी है इसमें हम लोगों की एक्यूरेसी और बेटर होगी ऊपर वाले से, बट ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगी। तो इनमें से कोई भी आप लोग यहाँ पर प्री स्केलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनको सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वन और जीरोज इनमें आप लोगों ने देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारी फिफ्थ नंबर बिट है ADFR। देखिए आप लोगों का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए दो मोड्स बेसिकली यहाँ पर होते हैं। पहला है सिंगल कन्वर्जन मोड, जिसमें हम लोगों का ADC एक बार कन्वर्जन करेगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा मोड होता है फ्री रनिंग मोड। अगर आप लोग फ्री रनिंग मोड यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको वैल्यू 1 देनी पड़ेगी। फिलहाल अगर आप लोग सिंगल कन्वर्जन मोड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 ही रहेगी। इसके बाद हम लोगों ने अपने रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना होता है। रेफरेंस वोल्टेज सेट करने के लिए हम लोगों के पास ADMUX रजिस्टर है और उसकी 6th और 7th जो बिट है इसको हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यूज 0-0 होती हैं, और अगर वैल्यू 0-0 है तो हम लोगों का रेफरेंस वोल्टेज जो है वो सेट होता है AREF के बराबर। मतलब AREF वाली जो पिन होती है पिन नंबर 21, उसमें जो वोल्टेज हम लोग देंगे वही हम लोगों की रेफरेंस वोल्टेज सेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं AVCC को रेफरेंस वोल्टेज बनाना तो आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसको 1 और 0 देना पड़ेगा। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये रिजर्व्ड है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। और अगर आप चाहते हैं इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना तो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू 1-1 देनी पड़ेगी। तो इस वे में हम लोग यहाँ पर अपने रेफरेंस वोल्टेज को सेट करेंगे। इसके बाद ADMUX की जो फिफ्थ नंबर की आपकी बिट है, ये ADLAR बिट है बेसिकली, ADC लेफ्ट एडजस्ट रजिस्टर हम इसको बोलते हैं। ये रजिस्टर बेसिकली डिफाइन करता है कैसे हम लोगों की जो ADC की वैल्यू होंगी वो स्टोर होंगी। थोड़ी देर में आप लोगों को ADLAR का फंक्शन समझ आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों का काम होता है ADC चैनल को सेलेक्ट करना। यहाँ पर टोटल हम लोगों के पास 6 चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल को हम लोगों को यूज करना है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ADMUX रजिस्टर की बिट नंबर 0, 1, 2 और 3 को सेट करते हैं। अगर आप लोग ADC 0 चैनल को यूज करना चाहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है हम लोगों की सारी जीरोज होंगी। सिमिलरली अगर आप लोग 1 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका जो 0 बिट है वो 1 होगी, रेस्ट आप लोगों के 0 होंगे। और ऐसे ही आप लोग अपने चैनल के हिसाब से वैल्यूज यहाँ पर सेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अपने ADC कन्वर्जन को स्टार्ट करना होता है। ADC कन्वर्जन को स्टार्ट करने के लिए ADCS RA की 6 बिट को हम लोग सेट करेंगे। अगर आप लोगों को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट करना है तो इसको हम लोग 1 सेट करते हैं, और ये वैल्यू हम लोगों की तब तक 1 रहती है जब तक हमारा कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होता। जैसे हम लोगों का कन्वर्जन कंप्लीट होगा आप लोगों का ये जो बिट है ऑटोमेटिकली 0 सेट हो जाती है। इसके बाद जैसे ही हम लोगों का ADC कन्वर्जन कंप्लीट होता है हम लोगों की जो भी ADC की वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है ADC डेटा रजिस्टर में। अब ये डेटा कैसे स्टोर करना है ये डिपेंड करता है ADLAR में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप लोग उसकी वैल्यू 0 देंगे तो हमारी बिट्स कुछ ऐसे स्टोर होंगी। 0 नंबर बिट में आप लोगों का ADC 0 वाली वैल्यू रहेगी, और 1 में 1, 2 में 2, सो ऑन आप लोगों का ऐसे कुछ ये वैल्यू सेट होंगी। और अगर आप लोग ADLAR की वैल्यू 1 देंगे तो इसमें जो आप लोगों का वैल्यूज स्टोर होंगी वो 6th नंबर बिट से स्टार्ट होंगी और 15 में जाके खत्म होंगी। तो ये बेसिक फंक्शन होता है हमारे ADLAR का। इसके बाद कुछ बिट्स हैं जो मैंने फिलहाल नहीं बताई हैं, वो है आप लोगों की ADIN और ADIF। ये आप लोगों का बेसिकली इंटरप्ट में यूज होती हैं, ये इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए है, और ये आप लोगों का इंटरप्ट फ्लैग बिट है। इनको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ADC के प्रोग्रामिंग को देखेंगे। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।